दोस्तों वेलकम बैक अगेन। दोस्तों मैंने सुबह उठ के जो चीज़ करना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को मैंने कर लिया। मैंने आप सभी को जगह भी दिखाया, घर भी दिखाया। और दोस्तों मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि आप सभी को ये जगह कैसा लगा। मुझे तो बहुत बहुत बढ़िया लगा, शायद आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना कॉमेंट तो बनता है। तो दोस्तों मैं अभी रोइंग की ओर निकलूँगा। और मैंने कल रात इंटरनेट से बहुत कंसल्ट करने के लिए कर रहा था, लेकिन यू नो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। तो आप सबको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो नेटवर्क का ख्याल करना। और इंटरनेट का कनेक्टिविटी हमें थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत स्लो है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो ये बात का ख्याल रखना। मैं अभी एयरटेल और जियो यूज़ कर रहा हूँ और दोनों में ही कभी आता है कभी जाता है, यू नो ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तक तो पता नहीं, रोइंग में अच्छा होता होगा। और मुझे बता रहा था कि अगर इस जगह से थोड़ा आगे जाएंगे तो नेटवर्क उसमें ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ मुझे बता रहा था। और हाँ दोस्तों अभी मैं निकलूँगा एंड आप सभी को मैं रोइंग पे मिलता हूँ, है कि नहीं। तो आप सभी को मैं रोइंग पे मिलता हूँ। और कुछ बात कहना था, स्टे ट्यून बाय नहीं बोलूँगा। अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत में अगर बाय बोल लिया तो यू नो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, यू नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सफ़र यही से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो, कम ऑन। गाइस मैं अभी रोइंग पहुंच गया हूं और एक मार्केट पे घुस गया हूं। ये सब्जी मार्केट है ना? अच्छा, ये डेली मार्केट ऐसा कुछ नहीं गया मैं रोइंग में। हाँ उस तरफ है ना? हाँ थैंक यू भैया। बेल्ट नहीं रखते ना? बेल्ट आप रखते हैं? बेल्ट तो जेंट्स का है। जेंट्स का नहीं है ना? बेल्ट तो नहीं रखता भी नहीं। यहाँ पे रख लीजिए। कौन सा? वहाँ पे ना जी। अच्छा ये बाजार का नाम क्या है? ये तो डेली बाजार है। एक बेल्ट ढूंढ रहा था क्योंकि मैं अपना बेल्ट को घर पे छोड़ के आ गया, तो मेरा पैंट बहुत लूज है। आंटी ये जेंट्स का बेल्ट होगा? कौन सा? ओ ये वाला ओके। कौन सा बेल्ट ले लूँ मैं? इसको निकाल के देखो। कितना जानती हाँ? अरे खराब नहीं होगा ना? तो कम कर दो।
सकते हैं, खराब होने से भी ये हो सकते हैं ना। तो अभी लगता है अभी रिक्शा लाइन है। तो मैंने अभी बेल्ट ले लिया, बेल्ट तो ले लिया अभी, और बहुत दाम था बेल्ट, जो बहुत बहुत दाम, पर भी क्या करें, मुझे लेना ही पड़ा। हर बारी में हर चीज़ छूट जाता है, पर मेरा बेल्ट यू नो मैं भूल ही गया, इसलिए दोस्तों कभी भी हर बारी मत करना, शांति दिमाग से हर चीज़ को करना है, कर और एक बार फिर से चेक करना है। दोस्तों अभी मैं सीधा देव पानी निकलूँगा, आप सभी को वहाँ पर मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं देव पानी पहुँच गया हूँ, और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो इनके बारे में कुछ दिया गया है, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो अभी मैंने तो पहले मैं वहाँ पे था, तो उसे क्रॉस करके मैं यहाँ पे सीधे अपोजिट साइड में आ गया हूँ, जहाँ पे मैं था उसका अपोजिट साइड में आ गया हूँ। तो दोस्तों व्यू देखिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको देखना है तो इसे पॉज करके देख लीजिए। एंड दिस इज़ द ब्रिज। मैं अभी देवपानी ब्रिज से वापस आ गया हूँ, और ये एक दुकान पे रुका हूँ, यहाँ पे मैंने पूरे बैटरी भी चार्जिंग कर लिया है, और अभी फुल हो गया, तो इसीलिए अभी मैं निकलूँगा यहाँ से। और निकलने से पहले दोस्तों मैं यहाँ घुसूँगा, यहाँ पे एक पार्क है, पार्क के अंदर जाऊँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। तो अभी मैं रास्ता क्रॉस करूँगा, नज़र हती दुर्गन नगति। तो रास्ते के उस पार था जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग किया था, दुकान वहाँ पे ही। एंड फाइनली मैं अभी पार्क का अंदर घुसूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। तो चलिए अंदर घुसते हैं और दिखते हैं और कैसे लगता है।
घुस गया दोस्तों। एंड बहुत बढ़िया है, अंदर आते ही आपको ऐसे नज़ारा मिल जाएंगे। यू नो, आपके साइड बाय साइड सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ के एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे ना हर चीज़ सफा रखता है। मैंने बाज़ार में भी गया था, बाज़ार पे भी यू नो बहुत सफा था। ये तो अभी थोड़ा चराई चरना पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लोप जगह है। एंड नाउ सी, वाओ। एंड आई लव ट्रैवलिंग। एंड यही बात यू नो लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हो रहा था तो घर पे बैठ बैठ के यही सपना देखते रहता था। मेरे लास्ट वीडियो में भी यही बातें आप सभी को बताया था, तो अगर वो वीडियो आप सभी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको दिखाई देंगे। और यस, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट। एंड फाइनली आई एम लिविंग इट। तो एक हाथी मिल जाएगा आपको, रोइंग का हाथी। जस्ट किडिंग। एंड बंच ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। यू नो यहाँ आके ना बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, यहाँ पे पार्क है, तो यहाँ पे वो सारे सामान रखे गए हैं जहाँ पे बच्चे आके यहाँ पे उसका मज़ा उठा सके। कुछ जिम के सामान भी ये लग रहा है मुझे। यस, कुछ जिम के सामान भी है यहाँ पे। तो मैंने पासीघाट में भी नोटिस किया था, तो मैंने पासीघाट में ये चीज़ नोटिस किया कि यू नो पार्क में आपको एक ये जिम का सामान रख देता है। और अभी मुझे याद आया कि एक बार फिट इंडिया मूवमेंट, इसी वजह से आई थिंक, मेरे ख्याल से कि ये जिम का सामान रखा गया है। और इसी के जस्ट पीछे में है देवपानी, और यहाँ से इतना दिखाई नहीं दे रहे ब्रिज को, हल्का सा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गच्ची है, शायद मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ, है कि नहीं। गाइस, मुझे अभी रेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये पार्क बहुत बहुत बड़ा है और मैं पूरे चक्कर लगाया है। और आई एम वेरी सॉरी कि आप सभी को सही ढंग से नहीं दिखा पाया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। लेट मी टेल यू कि पार्क बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, बहुत शांति जगह है। आप यहाँ पे आके आप के अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने स्पेशल वन के साथ, एंड स्पेशली फॉर फैमिली ऑल्सो, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, क्योंकि जहाँ पे मैं अभी बैठ रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे सामान है जो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। और दोस्तों, रोइंग आके मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, वो है क्लीनिनेस। और हाँ दोस्तों, ये पार्क में भी आपको बाहर में नोटिस में लिखा गया है कि यहाँ पे यू नो गंदगी ना फैलाएं, तो प्लीज़ उसे फॉलो कर दीजिए। सारे प्लास्टिक चीज़ें यहाँ पे यू नो मत फेंकिएगा, आप यहाँ से पैक करके बाहर डस्टबिन रखा गया है, वहाँ जाके यू नो आप वहाँ फेंक सकते हैं। Thank you.
खिंचतान करता था पर अभी बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात मैंने रुकी जस्ट वेट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। मैं कल रात तेजी पहुंच गया था विदाउट एनी प्लानिंग, सीधे तेजी पहुंच गया था। पता नहीं कौन सी जोश मेरे अंदर उबल रहा था, सीधा पहुंच गया यहाँ पे। और दोस्तों ये रास्ता बहुत बढ़िया है, ये तेजू का रास्ता है, बहुत सुंदर है। और यस ओवरऑल बहुत सुंदर है और चारों तरफ आप दिखाई देंगे पैर ही पैर। सी तो अभी मैं निकलूँगा जिया और जिया से मैं सीधा निकलूँगा पासीघाट। तो उसे तेजी से आपको लगभग 1 आवर से लगेगा, 68 किलोमीटर से रोइंग टू तेजू। 68 किलोमीटर से आप आराम से आना जाना कर सकते। कल रात मैं यहाँ पे पहुँचा था और बहुत अंधेरा हो चुका था उस समय और वीडियो बनाने लायक नहीं था कल, और सीधे पहुँच के सीधे रेस्ट कर लिया। एंड आई मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हियर और उन्होंने मेरा बहुत मदद किया है एंड आई रियली थैंक्स हा कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत मदद किया है। तो अभी मैं निकलता हूँ कि आज बहुत जर्नी करना पड़ेगा मुझे। दोस्तों मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि अभी मैं निकलूँगा सीधा जिया बस्ती से सीधा पासीघाट निकलूँगा। और लास्टली टाटा बाय बाय तेजू, मैं फिर से वापस आऊँगा। एंड थैंक यू वेरी मच टू माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है। सो मैं अभी निकलूँगा और आप सभी को जिया पे मिलता हूँ।